Hello kids, welcome back to class 8. This is your English class in which we'll be reading the book, the supplementary book. Supplementary book ke baare mein aapko pata hi hai, class 6 se aapke syllabus mein introduce hui hai. So the name of your book is It So Happened, and in this basically the supplementary reader we have some interesting short stories jo ki hame bahut sari morals, acche acche morals dete hain. So the first chapter that we'll study is How the camel got his hump. His, वैसे आपको पता होना चाहिए कि noun के साथ we generally don't use his or her. Animals के साथ we don't use his or her, we use it. यहाँ पे use किया because chapter में इन्हें consider किया जा रहा है as a part of the society, important part of the society and humans equal to humans. So let's see. In this chapter, how the camel got his hump, we will be studying the story कि ये जो camels हैं, आपने देखा होगा ये camels होते हैं इनका, इसका तो नहीं है, आगे के chapter में आपको दिखेगा that the camel has a hump. This thing is called as the hump. ये जो पीठ पे उनका एक उठा हुआ सा area नहीं होता, आपने उसमें भी ox में भी देखा होगा. The ox already has it. तो देखो ox का भी दिख रहा है ये hump. तो इसको hump कहते हैं. तो ये camel को कैसे मिला? तो पहले क्या था, ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, बिल्कुल भी इसमें किसी तरीके का साइंटिफिक फैक्ट प्लीज मत ढूंढिएगा. दिस इज जस्ट टू गिव अ मॉरल टू यू. ठीक है, सो लेट्स सी. आपको पता ही है सप्लीमेंट्री बुक्स में किसी भी चैप्टर को, स्टोरी को पढ़ाने से पहले वो आपको समराइज कर देते हैं कि क्या क्या पार्ट्स में आप पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स सी. द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स. तो दुनिया बस अभी अभी शुरू हुई थी और ये एनिमल्स जो है ये ह्यूमन्स के लिए काम करते थे. देयर वॉज वन लेजी एनिमल्स. इन सारे एनिमल्स में एक लेजी एनिमल था जो कुछ नहीं करता था एंड सेड नथिंग बट हम्प. इवन द क्लेवर जिन, डी साइलेंट है इसको, जिन पढ़ते हैं, जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. इनफैक्ट सारे के सारे लोगों के साथ जो क्लेवर जिन था वो भी परेशान हो गया था. सो लेट्स सी वॉट हैपन्स. In the beginning of the world, when the world was new and animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said humph, just humph and no more. तो दुनिया बस अभी अभी शुरू हुई थी और नई सारी चीजें न्यू थी, तब एनिमल्स ने ह्यूमंस के लिए काम करना शुरू किया. उनमें से एक एनिमल था कैमल, जो कि डेजर्ट के बीचों बीच रहता था, बिल्कुल सेंटर में रहता था. क्यों? क्योंकि उसको काम करने का मन नहीं करता था. अब क्या है, ह्यूमंस तो डेजर्ट के सेंटर में रहेंगे नहीं, वो एजेस पे रहते हैं, किनारों पे. तो उसको पता था कि मैं बीचों बीच रहूंगा तो कोई आदमी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा और मैं बिल्कुल काम से बचा रहूंगा. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said humph, just humph and no more. वहाँ पे बैठे बैठे वो दिन भर जो अगल बगल पौधे होते होंगे, डेजर्ट में वी हैव थॉर्नी प्लांट्स, तो वहाँ पे वो सिर्फ थॉर्न, स्टिक्स और प्रिकल्स खाता था. और जब उससे कोई कुछ कहता तो वो हर बार बस एक वर्ड कहता, दैट वॉज humph एंड नथिंग मोर. प्रेजेंटली अभी हाल ही में एक दिन, मंडे मॉर्निंग की बात है, कि हॉर्स उसके पास गया, उसके बैक पर एक सैडल था, एंड उसने जाकर बोला, प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम्फ सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो उसके पीछे पीठ पर एक सैडल था और उसने बोला कि कैमल चलो जैसे हम सब ट्रॉट कर रहे हैं वैसे तुम भी ट्रॉट करो. हर बार की तरह कैमल ने कुछ नहीं बोला बट हम्फ बोलकर बात को जाने दिया और हॉर्स वहां से चला गया और जाके ये पूरी की पूरी बात मैन को बता दी. उसके बाद एक दिन एक डॉग आया उनके पास. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन द माउथ एंड सेड, द डॉग केम विद अ स्टिक इन द माउथ एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कैमल ओ कैमल आओ हम सब जैसे कैरी करते हैं वैसे तुम भी कैरी करो और फेच करो हम सब के लिए, डॉग ने उन्हें बोला. हम्फ सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. फिर से
कैमल ने हर बार की तरह हम्फ बोलकर बात को हटा दिया और ये बात जाके डॉग ने फिर से मैन को बता दी. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम प्लॉ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. हम्फ सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. अभी अभी की बात है, ये जो ऑक्स है वो आया कैमल के पास, अपने उसके नेक पर एक योक था. योक इज अ इक्विपमेंट विच इज यूज इन प्लॉइंग. तो वो आकर बोलता है कि चलो कैमल तुम हम सबके साथ प्लॉ करो जैसे हम सब करते हैं. हर बार की तरह कैमल ने हम्फ कहकर बात को ख़त्म कर दिया और ऑक्स ने भी वही किया जो बाकी दो एनिमल्स ने किया था. क्या? जाकर ये सारी की सारी बात बता दी मैन को. अब दिन ख़त्म हुआ और आदमी ने, मैन ने हॉर्स, डॉग और ऑक्स को एक साथ एक जगह बुलाया. तो इन लोगों को लगा कि इनके पास सोल्यूशन होगा मैन के पास. मैन ने क्या बोला? 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू बट दैट हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे मेड अ दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल केम चूइंग कट एंड लाफ्ड एट देम. देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन. Presently there came along the jinn who was in charge of all the deserts rolling in the cloud of dust. उसके बाद क्या हुआ? आदमी ने उनको बुलाकर क्या बोला कि तुम तीनों के लिए मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है लेकिन ये जो हम्फ थिंग है, ये जो कोई भी है जो हम्फ हम्फ करता रहता है डेजर्ट में, वो काम तो नहीं कर सकता क्योंकि अगर अब तक वो नहीं आया यहाँ पे, मतलब उसको आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया मतलब वो काम नहीं करेगा. सो मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ और उसके जगह पे अब तुम तीनों को काम करना होगा उसकी बराबरी में, उसके काम को बराबर करने के लिए अब भले ही तुम लोगों को डबल टाइम करना पड़े. तो ये सुन के तो दोनों हॉर्स, डॉग और ऑक्स तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. बहुत ये लोग फ्रस्ट्रेटेड थे और उन लोगों ने क्या किया, डेजर्ट के एज पे किनारे पर एक पंचायत बिठाई. कैमल वहाँ पे आया कट चबत, कट इज सूखी हुई घास को कट कहते हैं. सो द कैमल केम देयर चूइंग कट एंड लाफ्ड एट देम. देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन. प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट्स रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट. तो वहाँ पे ये कैमल आया उस पंचायत में कट चबाते और इन लोगों के ऊपर हंसते हुए हम्फ कहकर चला गया. जैसे ही वो गया वहाँ पे कौन आया, जिन, जो कि सारे के सारे डेजर्ट्स का इंचार्ज था. तो जिन आपने देखा होगा कार्टून वगैरह में देखा था, बड़ा स्पेशल अपीयरेंस रहता है, कभी धुएं से निकलता है कभी चिराग से निकलता है. तो इस बार क्योंकि डेजर्ट था तो जिन डस्ट का खूब ज़्यादा बड़ा सा क्लाउड उड़ने लगा और उस क्लाउड में से निकला कौन, जिन. लेट्स सी आगे क्या हुआ. Jinn of all deserts, said the horse. Is it right for anyone to be idle? Certainly not, said the jinn. Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. Whew, said the jinn, whistling. That's my camel. What does he say about it? He says humph and he won't plow, said the ox. Very good, said the jinn. I'll humph him if you kindly wait a minute. तो जैसे ही वो आया जिन वहाँ पे क्लाउड डस्ट के क्लाउड से निकल रहा है, तो हॉर्स ने उसको बोला, जिन आप बताइए क्या किसी के लिए आइडल मीन्स खाली बैठे रहना, दिन भर खाली रहना ईजी है, सही है? बिल्कुल भी नहीं, जिन ने बताया. तो फिर आपके डेजर्ट के बीचों बीच कोई है जिसके लंबे लंबे पैर हैं और लंबी सी एक गर्दन है जो एक तिनका भी नहीं हिलाता है पूरे दिन, मंडे मॉर्निंग से अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया, ही डज नॉट इवन ट्रॉट. जिन ने विसलिंग मीन विसल करना मतलब सीटी बजाना, तो वाला एक्सप्रेशन जो हम लोग देते हैं, उस एक्सप्रेशन को देते हुए बोला, अरे वो कैमल है, बताओ उसने क्या कर दिया. तो ऑक्स ने बताया, ही सेज हम्फ, उससे हम लोग जब भी कुछ कहते हैं वो बस हम्फ कहता है, वो प्लॉ करने से मना कर, हॉर्स को ट्रॉट करने से और इसको प्लॉ करने से मना कर दिया था उसने. जिन ने बोला, ठीक है, वेरी गुड, अब तुम मुझे अगर एक मिनट दो ज़रा आराम से, तो मैं उसे हम्फ कर दूंगा. आई एल हम्फ एक फ्रेज के तौर पे यूज़ हो रहा है जिसका मतलब बेसिकली क्या है, इट इज़ जस्ट टू टेल यू दैट द जिन विल हैंडल विद द एंटायर मैटर नाउ. I will deal with him appropriately. This meant this.
तो बाई दिस वी आर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको चार क्वेश्चंस दिए हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक के। ये आपके आज के होमवर्क हैं जो आप अपने होमवर्क कॉपी में करेंगे। क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड ऑक्स? डॉग को क्या बोला गया था फेच और कैरी करने के लिए, ऑक्स को प्लॉ करने के लिए। व्हाई डिड कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? सो दैट उसको काम ना करना पड़े। व्हाट मेड द डॉग हॉर्स एंड ऑक्स वेरी एंग्री? किस बात पे गुस्सा आया? जब मैन ने उन्हें बुलाकर बोला कि तुम्हें उनके हिस्से का भी काम करना होगा जो काम नहीं कर रहे हैं, उस बात पे उन्हें बहुत गुस्सा आया। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? द जिन वॉज बेसिकली वो इंचार्ज था सारे डेजर्ट्स का, तो उसके डेजर्ट में कौन कब क्या कह रहा है, और जिनके पास तो सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं तो उसे सब कुछ पता था। दैट इज वाई जिन न्यू दैट ही वॉज टॉकिंग अबाउट द कैमल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। In next part, we'll see the jinn remonstrated with the camel who said humph. Jinn ने बहुत समझाने की कोशिश की इस camel को जो बात बात पे humph कहता था। The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. अचानक से कुछ हुआ जिससे camel का जो खूबसूरत सी पीठ थी उसके ऊपर एक lump grow कर गया, जिसको हम camel का hump बोलने लगे। The jinn assured the camel that his hump would always be a help, not a hindrance. Jinn ने camel को assure किया कि ये जो hump उसको एक सजा के तौर पे मिला है, ये उसके लिए हमेशा एक बहुत बड़ी help की तरह काम करेगा, ना कि एक रुकावट hindrance की तरह। Let's see. The jinn rolled up himself up in the dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in the pool of water. My friend, said the jinn, what's this I hear of your doing no work? The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. You have given the three extra work ever. You have given the three extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. And he went on thinking with his chin on his hand. तो जिन रोल कर डस्ट के क्लाउड में फिर से रोल करते हुए डेजर्ट का एक वॉक लगाने लगा, और उसने देखा कि ये जो कैमल है वो एक पानी एक तालाब में पूल में अपने रिफ्लेक्शन को बड़े गौर से देख रहे हैं। इस पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा, द कैमल इज लुकिंग एट इट्स रिफ्लेक्शन। तो जिन वहाँ गया और उसने बोला, मेरे दोस्त ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते हो? ये बोलने के बाद जिन वहाँ बैठ गया, उसने अपना हाथ अपने चिन पे रख लिया, आपको दिख भी रहा होगा, हिज हैंड इज ओवर हिज चिन, और कहने लगा कि बताओ ये क्या तरीका है। लेकिन कैमल अभी भी आराम से अपना रिफ्लेक्शन पे देखा जा रहा था, उसने जिन को कोई जवाब नहीं दिया। फिर जिन ने बोला कि बताओ तुमने 3 दिन तक कोई काम नहीं किया, और वो मंडे मॉर्निंग से, और वो सारा का सारा काम तुमने इसलिए बस नहीं किया क्योंकि तुम्हें करने का मन नहीं था, तुम खाली बैठे हुए थे, अपने आइडलनेस के लिए तुमने नहीं किया ये सारा काम, जिन ने बोला। और वो फिर से सोचने लगा, उसका हाथ अभी भी उसके चिन पे था, और कैमल ने फिर से कुछ जवाब नहीं दिया, और अगर दिया भी तो क्या हर बार की तरह हम्फ, सेड द कैमल। फिर से कैमल ने जिन को भी क्या जवाब में बोल दिया, हम्फ बोल दिया। अब देखते हैं क्या होता है, तो जिन को गुस्सा आ गया होगा। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। And the camel said humph again, but no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of puffing up and puffing up into a great big hump. Do you see that? said the jinn. That's your very own humph that you have brought upon your very own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. When the work began, now you're going to work. How can I? said the camel with this hump on my back. जब कैमल ने फिर से हम बोल दिया तो जिन ने उसको एक मौका फिर भी दिया। उसने बोला कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ये शब्द कभी दोबारा नहीं बोलता, और यू मे से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क, और तुम ये अक्सर कहते हो, खैर मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। और इस बार फिर से कैमल ने क्या बोल दिया, हम नाउ। तो जैसे ही उसने ये बोला तो जो पीठ वो बहुत आराम से देख रहा था तालाब में अपनी खूबसूरत सुंदर सी पीठ, उस पर अचानक से वो पीठ अचानक से पफ होने लगी, होती गई होती गई होती गई, तब तक हुई जब तक वो एक हम्प में कन्वर्ट नहीं हो गया। एंड जैसे ही वो ग्रो हुआ, जिन ने क्या बोला, देख रहे हो तुम ये,
ये खुद का तुम्हारा हम है जो तुमने खुद से अपने लिए मांगा है, खुद अपने ऊपर मंगवाया है काम नहीं करके। आज थर्सडे है और तुमने कोई काम नहीं किया है मंडे से, जब से काम शुरू हुआ था, और अब समझ लो तुम काम करोगे। यहाँ तक तो कैमल ने सुना। फिर कैमल ने जवाब में बोला कि अच्छा ठीक है, लेकिन आप ये बताइए मैं कैसे काम करूँगा, मेरे पास तो पीठ पे इतनी बड़ी सी हम्प दे दी है आपने, मैं काम चाह कर भी नहीं कर पाऊंगा अब तो। तो जिन ने उसको समझाते हुए बोला, अरे दैट हैज अ पर्पस, सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 डेज, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 डेज विदाउट ईटिंग, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम एंड डू एंड डोंट यू एवर से इट इट नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। And the camel went away to join the tree. And from that day to this, the camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feelings. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never learned how to behave. तो क्या हुआ? जिन ने उसको समझाते हुए बोला कि अरे नहीं नहीं वो कोई परेशानी नहीं है, वो एक पर्पस से दी गई है तुम्हें, क्योंकि तुमने 3 दिन का काम छोड़ा था ना, इसलिए अब देखना तुम 3 दिन तक बिना खाए पिए, बिना कुछ, तुम्हारे एक ड्रॉप पानी भी नहीं पियोगे तब भी तुम काम कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास हम्फ है, तुम अपने हम्फ के के ऊपर जिंदा रह सकते हो बिना खाए बिना पिए 3 दिन तक। डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू, और आज के बाद तुम कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं है। देखो मैंने तुम्हारा तुम्हें कितना बड़ा वरदान दिया है एक हम्प के फॉर्म में, कि अब तुम कितने कितने समय बिना खाए पिए रह सकते हो। अब चलो जल्दी से डेजर्ट के बाहर जाओ और चुपचाप से उन 3 लोगों के साथ काम करो और बिहेव करो, यानी कि अच्छे से बर्ताव करो, हर बात पर हम्प कहना बंद करो। और उस दिन से लेकर वो कैमल वहाँ से चला गया और जाके उन 3 लोगों को ज्वाइन कर लिया। उस दिन से लेकर हम आज तक देखते हैं कि कैमल के पीठ पर एक हम्फ होता है, उसे हम हम्फ ना कहकर हम्प कहते हैं, ताकि कैमल की फीलिंग्स हर्ट ना हो और उस बेचारे को बुरा ना लगे। एंड बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3, लेकिन आज तक उसने वो 3 दिन, क्योंकि जो उसने दुनिया के शुरुआत में मिस कर दिए थे, वो वापस, ऑब्वियसली समय तो एक बार जाता है तो वापस आता नहीं है, तो ही कुड नॉट कॉट कैच अप विद इट। तो आज तक वो दिन उसके मिसिंग ही हैं, लेकिन आज तक उसने बिहेव करना भी नहीं सीखा, आज भी वो रूडली ही बिहेव करता है बाकी एनिमल्स के साथ। यू मस्ट हैव सीन, मतलब ये क्योंकि एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है तो इसको इस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है। तो ये जो कैमल है, इसको हम्फ मिल गया, जिसको हम हम्फ बस इसलिए कहते हैं ताकि उसकी फीलिंग ना उसकी फीलिंग उसको बुरा ना लगे, एंड उसने आज भी बहुत रूड बिहेवियर ही रखा है बाकी एनिमल्स के साथ, बहुत फ्रेंडली नहीं होता है, आपने देखा होगा। So this entire chapter has been, this story has been composed by Rudyard Kipling. Abridged का मतलब है chapter को exactly वैसे नहीं copy किया गया है जैसे Rudyard Kipling ने किया था, उसको हल्का सा modify किया गया है ताकि story को short बनाया जा सके। Comprehension check में फिर से 4 questions. The camel was looking at his own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? कैमल अपने खुद के रिफ्लेक्शन को पूल में देख रहा था। हमें इससे ये पता चलता है कि वो अपनी सुंदरता को लेकर बहुत घमंड करता था, जो कि हम्प मिलने से चली गई। द कैमल सेड हम्फ रिपीटेडली, कैमल हर बात पे हम्फ कहा करता था। हाउ डिड इट इफेक्ट हिम, वो जो हम्फ वो कहा करता था वो उसके बॉडी में रिफ्लेक्ट करने लगा, क्योंकि वो बात बात पर वो चीज़ कहता था। What according to Jin was the use of the hump? Jin ने उसे बताया कि ये जो हम्फ था that was a very useful thing to him, because वो अब 3-4 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ये एनिमल सर्वाइव कर सकता था, वो भी डेजर्ट जैसे जगह पर। The last question, he has never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? Right, इसका statement का मतलब यही है कि present time में भी जब ये writer, Rudyard Kipling, camel को observe करते हैं तो definitely उन्हें लगता होगा कि ये जो camel है ये आज भी बहुत rude रहता है, सबसे बातचीत नहीं करता है और उतना friendly नहीं है, उतना well behaved नहीं है जितना बाकी animals एक दूसरे के साथ होने चाहिए। And that is what I think. So this is it. We are done with the chapter. Here are a few questions. Can the story be factually true? मैंने आपको पहले भी बताया था। Simply your answer will be no, the story is not factually true. What according to you the story is about? आपके बारे में ये story किस बारे में है? ये दुनिया कैसे शुरू हुई? How, क्यों आप हर एक इंसान को अपने खुद के शेयर का काम सीरियसली करना चाहिए? Animals, humans को कैसे important है? या फिर
कैमल को हम्प कैसे मिला? ऑब्वियसली ये सारे में से सिर्फ एक लॉजिकल चीज़ है, दैट इज दिस, कि क्यों हर एक इंसान को अपने शेयर का काम अच्छे से करना चाहिए। ये दोनों पर्सनल क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं। आपने वीकेंड्स पे क्या किया? आज मंडे है, कल अभी वीकेंड्स बीते हैं, सो जस्ट राइट कि आपने वीकेंड्स में क्या किया। दैट्स इट विद द चैप्टर। आई होप आपको पूरा चैप्टर, पूरी स्टोरी समझ में आई हो। एंड इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, जस्ट लेट मी नो, आई शैल गेट बैक टू यू विद द आंसर्स। टिल देन, स्टे एट होम, टेक केयर, स्टडी वेल, एंड just take it, bye.